हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आई एम नेहा सेठी। वेलकम टू शेयर मार्केट विद नेहा सेठी। बात करेंगे लॉर्ड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर के बारे में। फ्रेंड्स, मोस्टली सब सब्सक्राइबर को डिविडेंड आ चुका है एंड वन और टू सब्सक्राइबर इज़ आस्किंग कि मैम हमारा डिविडेंड नहीं आया, तो प्लीज़ आपको क्या करना है, आप जाके सबसे पहले अपनी अकाउंट स्टेटमेंट डीमेट अकाउंट में जाइए, उसकी अकाउंट स्टेटमेंट चेक कीजिए, वहाँ पे भी अमाउंट आपको शो हो सकता है। एंड सेकंड, आप जाके बैंक अकाउंट जो आपने कनेक्ट कर रखा है उसमें जाके चेक कीजिए, तो दोनों में से डेफिनेटली किसी में आपको अमाउंट क्रेडिट ज़रूर हुआ होगा। अमाउंट कितना क्रेडिट होगा मैं आपको कैलकुलेशन बता देती हूँ। जितने भी आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स है उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.05 से, तो जो अमाउंट बनता है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। सो फ्रेंड, जानेंगे करेक्शन में शेयर। 14.70 क्लोजिंग दी है, 1.67% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा पैनिक है कि क्यों हो रही है गिरावट, सब कुछ अच्छा चल रहा है शेयर में तो गिरावट क्यों हो रही है। आज निफ्टी भी थोड़ा सा वीक था, मार्केट कैप हो गया है 1453 करोड़। आज का वॉल्यूम भी फ्रेंड्स काफ़ी कम था, 28 लाख का वॉल्यूम है जस्ट, तो काफ़ी कम है वॉल्यूम। एंड 86% लोग बोल रहे हैं बाय करना चाहिए, 0% सेल एंड 14% होल्ड। तो आप देख सकते हैं सेल का रिकमेंडेशन भी 0% है। प्रोमोटर्स होल्डिंग 57% के आसपास है, DII की 0.05% के आसपास है। सो फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट कहाँ ले सकता है नीचे करेक्शन में, तो मैं आपको बताऊंगी 13 रुपीज़ इसका स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, इसको ब्रेक नहीं करेगा। तो अगर करेक्शन होता भी है तो 13 तक ही हो सकता है, और उससे पहले भी इसमें हमें दोबारा से पॉजिटिव रिटर्न देखने को ज़रूर मिल जाएगा। सो फ्रेंड, शॉर्ट टर्म टारगेट, नेक्स्ट टारगेट जानना चाहते हो मेरी आज मॉर्निंग की वीडियो जाके देख लीजिए। शॉर्ट टर्म टारगेट 17 रुपीज़ का हम लेके चल रहे हैं, जो हमें जल्दी अचीव हो जाएगा, और जब 17 रुपीज़ अचीव हो जाएगा देन डेफिनेटली टारगेट्स को रिवाइज कर दूंगी। डिविडेंड जाके आप प्लीज़ इन दोनों जगह पे चेक कर लीजिए, बैंक अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट की अकाउंट स्टेटमेंट। थैंक यू सो मच।